विराट कोहली के बल्ले को लग गई है जंग। टेस्ट वनडे T20 में सब में है ठंड, कब जागेगा भूखा से रिकॉर्ड देखकर होगा पछतावा। दोस्तों भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 6 रन बनाकर आउट हो गए। विराट के निराशाजनक प्रदर्शन पर उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं, वही दूसरी पारी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने में पीछे रह गए। विराट कोहली ने इस साल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बल्लेबाजी नहीं की है। टेस्ट वनडे T20 हर फॉर्मेट में उनका खेल शानदार रहा है। उन्होंने इस साल 2024 में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस साल 15 मैच खेले हैं और अपनी पारियों में उन्होंने 18.87 की औसत से केवल 302 रन बनाए हैं। इससे पहले उनका खराब साल 2020 था, उस साल कोहली ने 36.60 की औसत से रन बनाए थे। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक ये साल विराट कोहली के लिए सबसे खराब रहने वाला है। इस साल T20 वर्ल्ड कप फाइनल को छोड़कर किसी भी मैच में रन नहीं बना सके हैं। यही वजह है कि विराट कोहली की खराब फॉर्म अब सूखा के आलोचना हो रही है। कुछ पूर्व क्रिकेटरों का भी मानना है कि विराट कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। ऐसा होने पर आइए जानते हैं इस साल विराट कोहली के तीनों प्रारूप में कैसा प्रदर्शन किया है। वह दोस्तों टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली इस साल पे सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि दूसरी पारी में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। वह दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2 पारियों में 58 रन बनाए थे। इस तरह उनका रन बनाने का औसत सिर्फ 21.33 का रहा है। वनडे फॉर्मेट की बात करें तो विराट कोहली ने 3 मैच खेले हैं, इन तीनों मैचों में 19.33 की औसत से केवल 58 रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 24 का रहा है। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उनका औसत सबसे खराब रहा है। साल 2024 में विराट कोहली ने अब तक T20 फॉर्मेट में खेलकर 18-0 की औसत से 180 रन बना पाए हैं। तो दोस्तों की जानकारी में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली अब वापसी करेंगे या नहीं, आप अपने व्यक्तिगत राय में जो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।